गाइस तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारी ऑल इंडियन स्कार्स के साथ पार्ट वाइज हमारी ये जंप वाटर चैलेंज। तो देखते हैं हमारी कौन कौन सी इंडियन स्कार हमारे इस वाले जंप चैलेंज को कंप्लीट कर पाएगी और वो हमारे फिनिशिंग पॉइंट के पास लैंड कर पाती है या उससे आगे चली जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो पहली कार हमारी फॉर्चूनर लैंडर की स्पीड काफ़ी अच्छी है, 177 की टॉप स्पीड में इसने जंप मारी है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये आइलैंड को ये क्रॉस कर पाते कि नहीं, और ये क्या, ये तो हमारे आइलैंड में ही जाके गिर पाई और ये हमारे चैलेंज में आउट हो जाती है। मतलब कि हमारी पहली कार जो होती है वो हमारे चैलेंज में आउट हो जाती है। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट इंडियन कार में। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। और गाइज प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा देखा करो यार, आप लोग 5 सेकंड मतलब 52 सेकंड का देखते हो उसके बाद नहीं देखते हो, प्लीज़ देखा करो यार। तो यहाँ पर बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट इंडियन कार में जो होगी हमारी सुजुकी स्विफ्ट, ये क्या बोलते हो बलिनो। तो देखते हैं सुजुकी बलिनो कैसी परफॉर्मेंस करती है। और इसकी स्पीड 233 थी, मतलब कि काफ़ी अच्छी स्पीड थी। और यहाँ पे देख सकते हो इसने अच्छी स्पीड के कारण मतलब हमारे ये क्या बोलते हो फिनिशिंग पॉइंट के आगे जंप मार लिए, जिसके कारण ये हमारे चैलेंज में तो पास हो जाती है। तो बढ़ते हमारी नेक्स्ट इंडियन कार में। तो देखते हैं हमारी नेक्स्ट इंडियन कार हमारी महिंद्रा थार कैसी परफॉर्मेंस करती और वो हमारा चैलेंज कंप्लीट कर पाती कि नहीं। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना हमारी महिंद्रा थार की कलर कैसी लगी आप लोग को। और यहाँ पे देख सकते हो हमारी महिंद्रा थार की स्पीड है 210 और यहाँ पर इसने जंप मारी है। और यहाँ पे ये मेरे को लग रहा है हमारे ये फिनिशिंग पॉइंट में ही जाके लैंड की, लेकिन ये रुक नहीं पाई जिसके कारण ये हमारे पानी में गिर चुकी है। लेकिन उससे दिक्कत नहीं है क्योंकि ये हमारा चैलेंज कंप्लीट कर ली, यही बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ गाइस हमारी लॉन्ग वीडियो को पूरा देखा करो, नहीं तो कम से कम 2 मिनट तो देखा ही करो। तो बढ़ते हमारी नेक्स्ट इंडियन कार में जो होगी हमारी टाटा हैरियर। और ये रेड एंड ब्लैक कलर में आप लोग को कैसी लगी ज़रूर से कॉमेंट में बताना। और ये चलिए हमारी टाटा हैरियर और देखते हैं इसकी स्पीड कितनी हो पाती है। अगर ये 200 क्रॉस कर लेगी तब तो मेरे को लगता है ये हमारा चैलेंज कंप्लीट कर लेगी। और इसकी टॉप स्पीड थी 196, तो इससे मैं भी हमारा चैलेंज कंप्लीट कर सकती। और देख सकते हो गाइस 4 की टॉप स्पीड और रहती तो पक्का ये हमारा चैलेंज कर लेती। मैंने बोला था अभी अगर थोड़ी सी स्पीड इसकी बढ़ जाती तो ये हमारा पक्का से चैलेंज कर लेती। तो बढ़ते हमारी नेक्स्ट इंडियन कार में। तो देखते हैं हमारी नेक्स्ट इंडियन कार हमारी ये किया सेल्टोस कैसी परफॉर्मेंस करती है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये चली हमारी किया सेल्टोस और देखते हैं किया सेल्टोस, अरे यार ये टट्टी गाड़ी मतलब हकना इसका नियम हो गया है गाइस। यहाँ पे देख सकते हो क्या ही यहाँ पे अटक गई थी, मतलब कुछ भी हो जाता है इसके साथ। देखते हैं ये कैसी परफॉर्मेंस करती है अब, मेरे को लग रहा है ये हमारा चैलेंज कर लेगी क्योंकि स्पीड 210 है, मतलब कि अच्छी खासी स्पीड है। तो मेरे को लग रहा है ये हमारा चैलेंज कर लेगी। और ये हाँ ये पहली कार बन जाती है जो हमारे डायरेक्ट फिनिशिंग पॉइंट में जाके लैंड करती है। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट इंडियन कार में। लेकिन ये हमारा चैलेंज बहुत बढ़िया तरीके से कर ली, लेकिन लास्ट में ये पहले तो पूरी हगी है। और यहाँ पे देख सकते हो इसका डैमेज भी अच्छी खासी आ चुकी है। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट इंडियन कार में जो होगी हमारी हुंडई की वरना। तो देखते हैं वरना कैसी परफॉर्मेंस करती है और वो हमारा चैलेंज कंप्लीट कर पाती कि नहीं। और इसकी स्पीड है 198, तो मे भी इससे भी चैलेंज हो सकता है क्योंकि ये हल्की कार है हमारी टाटा हैरियर से। और ये देख सकते हो ये भी हमारी कार बन जाती है सेकंड जो हमारे डायरेक्ट ये फिनिशिंग पॉइंट के में ऊपर गिरी है। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट इंडियन कार में और लास्ट इंडियन कार में। तो देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट फाइनल इंडियन कार हमारा चैलेंज कंप्लीट कर पाती कि नहीं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना। और ये चलिए हमारी लास्ट एंड फाइनल कार जो है हमारी एंडेवर। और यहाँ पे देख सकते हो एंडेवर एकदम टॉप स्पीड 204 की जा रही है, लेकिन ये बहुत ही हैवी है, मेरे को इससे बहुत ही कम उम्मीद है। इसके लिए कम से कम 250 की स्पीड चाहिए थी, मैंने आप लोग को जैसा ही बोला वैसा ही हुआ। लेकिन ये हमारे मतलब आइलैंड में टकरा के फिनिशिंग पॉइंट को टच कर लिया, तो आप लोग ज़रूर से बताना वो हमारा चैलेंज किया कि नहीं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।